फर्ज कीजिए कि आप बाकी दुनिया से अलग एक नदी के दूसरी तरफ गुप्त अंधेरे में हैं। आने जाने का रास्ता तो दूर, अगला कदम कहाँ रखें यह भी दिखाई नहीं दे रहा है। ना डराने वाला मंजर, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसे ही हालात में बिहार का एक गांव अब तक था। आजादी के पहले तो दूर, बाद में भी सरकारों ने यहाँ बिजली पहुंचाने की नहीं सोची थी, लेकिन जिस नदी ने इन्हें दुनिया से अलग रखा उसकी लहरें गवाह बनी यहाँ आए पहले ट्रांसफार्मर की। जी हाँ, अब इस गांव में बिजली आ चुकी है और जो सपना था वो सच हो गया। उम्मीद नहीं था कि जैसा कि हम सपना में सपना ही नहीं जैसे ये तो सपना का चला दूर चला गया। समझे नहीं, सपना दूर हो गया। पहले रोशनी के लिए आग ही एक सहारा था, लेकिन आग के खतरे भी थे। कंप्यूटर चलाएगा, पहले दिव्या में लड़के में देहात में होती थी तो आग भाग भाग इतना भी डर था, लेकिन अब तो वो सब चीज का बात नहीं है। बहुत बहुत आराम से सब पाएगा। अब बिजली आ गई है तो विकास भी होगा, गांव का भी, गांव वालों का भी, और उनके नन्हे मुन्नों के भविष्य में उजाला भी आएगा। गांव में है, लाइट जल रहा है इतना बढ़िया से, बच्चा लोग सामने लाइट जला के पढ़ रहा है। यहां बिजली पहला बार आया है, पहला बार आया। अब गांव वाले बिजली पहुंचाने वाली सरकार की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। खुश है, बहुत खुश। पहले बहुत सारे सरकार आई, 60 साल 62 साल बहुत सारे सरकार बीत गए, लेकिन इस एरिया में कोई ध्यान नहीं दिया। पानी के लिए भी बहुत ज्यादा सुविधा हो गई। हम लोग अब कल में अब पंप समर्थेबल करवाएंगे और सारे लोग खेती उती के लिए, कृषि मतलब किसान लोग के लिए बहुत ज्यादा मतलब सुविधा हो गया। इसके लिए बहुत बहुत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोशनी की दुनिया में वीरपुर का स्वागत है। वीरपुर जैसे हजारों गांव हर रोज निराशा से उभर कर कुछ कर गुजरने की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें बिजली से वह ऊर्जा मिल रही है जिससे केवल इनका गांव ही नहीं पूरा देश बदलने की क्षमता रखता है।